हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, मैं मुरली वाले हौसला जौनपुर सिटी के जस्ट बगल में, ये मड़ियाहो क्षेत्र है, आ चुके हैं दोस्तों मेजबानों को बचाने के लिए। दोस्तों, मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है और ऐसे बदलते मौसम में सांपों का निकलना तो लाजमी है। बताया गया दोस्तों कि वो बहुत ही खतरनाक सांप हैं और नाग और नागिन है। दोस्तों, गाँव में हमारे यहाँ लोग सांपों को नाग और नागिन का नाम देते हैं, नर और मादा के रूप में। लेकिन मैं उनको बुलाता हूँ जिन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन किया था, सूचना दिया था। भैया, अपना नाम पता बताएं आप। थाना कौन सा पड़ता है आपका? कोतवाली। ये सांप कब देखा गया? 10 बजे सुबह। दोस्तों, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला था, जो मेरे पास वीडियो सेंड हुआ था, वीडियो मैंने दिखाई जरा। दोस्तों, इस प्रकार का ये वीडियो था। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं, ये दोनों नर और मादा के रूप में दीवार के ऊपर चढ़ रहे थे और जैसे ही मुझे सूचना मिली, हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट के अंदाज में निकाल के दिखाते हैं। बस आप नजरें जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। आइए प्लीज कम। वो कोने कोने वीडियो फोन। अच्छा, ये बताइए, इस दीवार के उस तरफ भी दीवार है? नहीं, दीवार मतलब उधर निकलने का जगह नहीं है, पैक है चारों पैक, पूरा पैक है। सांप कहाँ गया? वही कोने। आपको लग रहा है? हाँ, एकदम। चलिए लाइए भैया, तोड़ी दिखा की टी ही। हले हले भैया, चले भैया। नहीं नहीं, लास्ट में आराम से कुछ नहीं है। इसके पीछे एक बार देखे तो पता चले। चलिए दोस्तों, आप ये भी देख लीजिए, हमारे गांव में इस प्रकार से जो चूल्हा रहता है, जहां पर खाना पकता है, उसको हम रसोई घर बताते हैं। दोस्तों, इसके अंदर जो भोजन पकता है वो रसों से भरा रहता है। कभी एक जमाना रहा करता था कि हर जगह इस प्रकार के चूल्हे रहते थे। और दोस्तों, इसके अंदर भी वही व्यवस्था है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, गेहूं चावल खाने की बहुत सारी चीजें रखी गई है। तो ऐसे में तो दोस्तों, जहां पर ये व्यवस्थाएं होती है, वहां पर चूहा जरूर रहता है। ये सांप सिर्फ चूहा को खाने के लिए ही घर के अंदर प्रवेश करता है। थोड़ा आप लोगों से निवेदन है, इस वीडियो को दूर तक शेयर करके घर की साफ सफाई पर आप मेंटेन रहिए। मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, गर्मी का महीना आ चुका है, तो गर्मी के महीने में दोस्तों इसमें सांप निकलना शुरू हो गया। चलते दोस्तों, अब सांप के पास में दीवार को तोड़ता करेंगे, काफी जद्दोजहद होगी, फिर सांप को निकालते हैं और आपको दिखाते हैं फटाफट के अंदाज में। आइए प्लीज कम। ये बीच वाला, ये रूम है। निकला नहीं है, दोनों दीवारों के बीच में है। अंदर एक दो लोग अंदर से भैया, कैसी की लाइट जला के कैमरे से शूट करें, अगर अंदर निकलता है दिख रहा है।
आराम से धीरे बहुत आराम से ना मार के नहीं बहुत लाइट लगाई है वहाँ पर है वहाँ पर अभी वहाँ पर हाँ बहुत पुराना पहुँच गया कि नहीं उसके पास तक बहुत पुराना है बहुत पुराना इसको अंदर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं आप कहाँ जाएगा वो अब वो कहीं है ये वाला थोड़ी आप करना है डर के आगे जीत ये देखिए बैठा रुकी भैया एक मिनट सुन लो देख रहे हैं ये देखिए आ गया हाँ यहाँ पर दिख रहा है ये सबको एकदम बढ़िया ये आ गया है वो गए यूट्यूब पे चढ़े भैया देखा यार लग गया चलिए थोड़ा शांत रखिए भैया शांत बनाओ तो दोस्तों काफी कड़ी मेहनत के बाद और इन बेजुबानों तक मैं पहुंच चुका हूं ये नारा और मादा के रूप में हमारे भारत में जिसको हम भारतीय नाग के नाम से जानते हैं या तो कभी कभी दोस्तों इंग्लिश को इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं दोनों बिग साइज के हैं और शायद दोनों की मोहब्बत ऐसी है कि दोनों एक साथ मिले हुए हैं दोस्तों दोनों को जगह नहीं मिल पाया और तब जाकर के ये बेचारे यहाँ पर एक साथ मिले हैं चलिए इनको हम यहाँ से हटाते हैं ये दोस्तों आप देख लीजिए मत बच्चे, होता ये दोस्तों कि ये छोटी से छोटी जगहों में जाकर के अपने आसियाने को बना लेते हैं चलिए दोस्तों अब ये दोनों जाना चाहते हैं लेकिन मैं ये चाहता हूँ भैया अगर आप लोग ऐसे ही जाओगे तो हम यहाँ क्या करेंगे आप ये बताओ चलिए भैया एक तो भैया बोलिएगा नहीं देखिएगा सर दोस्तों आप इसे देख के समझ सकते हैं ये काफी खाया पिया घर से बिलोंग करता है दोस्तों ये गुस्से में खुद को बाइट कर रहा है इसको मालूम है जो मैं इसकी पूंछ को पकड़ के रखा हूँ इसे ये लग रहा है कि मुझे कौन पकड़ के रखा है भैया जरा वो दीजिएगा छड़ी छड़ी अच्छा है साहब कहाँ लगा कौन खुले ना ये इसको निकालिए जरा माथा और कनी के दांत ना पड़ गया है देखना
चलिए 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 बाइक लाएंगे बढ़िया अंदर अंदर जाए पहाड़े मिल जाए ओके का पता यहाँ कपड़ा मिल जाए तो दोस्तों ये जो हमारी टीम काम कर रही है बेजुबानों को बचाने के साथ साथ लोगों को जागरूक करने के लिए, हमारे भारत में दोस्तों 50 से 60 हजार लोगों की हर साल मृत्यु हो जाती है सिर्फ सांपों के काटने से। तो दोस्तों सांप के काटने के बाद बहुत से लोग जड़ी बूटी तंत्र मंत्र झाड़ फूक यहाँ वहाँ आने जाने के चक्कर में उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों जब भी ऐसा सांप अगर आपको काटता है तो आप सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, किसी झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें, कोई भी अंधविश्वास का बढ़ावा ना करें। इसके अंदर दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक वेनम होते हैं, जब भी ये सांप काटता है तो 40 से 50 मिनट का टाइम होता है इंसान के पास, जहाँ काटता है वो दो दांत के निशान होते हैं, बहुत तेज़ी से उल्टियाँ चक्कर आता है, आँखों से धुंधलापन दिखाई देता है और यहाँ वहाँ भागने